मेरा जन्म सन 1902 में हुआ था भाई। रामप्रसाद बिस्मिल के 4 साल बाद मैं पैदा हुई थी। भाई जी मुझ पर बहुत स्नेह रखते थे। मेरे पिता के खानदान में लड़कियों को होते ही मार डालते थे। मेरे मारने के लिए लिया बाबा और दादी ने मेरी माताजी को कहा, मगर माताजी ने नहीं मारा। भाई भाई बहुत रोते थे कि बिटिया को मत मारो। मैं 3 महीने की हो गई थी तब दादी ने माताजी से फिर ताना मार मार कर कहा कि क्या लड़का है जो इसकी इतनी हिफाजत करता है। माताजी ने बाबा के यहाँ से अफीम मंगा कर मुझे पिला दी। पड़ोस में थानेदार का मकान था, उनकी पत्नी हमारे घर आती थी। उन्होंने मेरी खराब हालत देखी और कहा कि इसे क्या दे दिया। मैं दरोगा जी से कहूँगी। उन्होंने दरोगा जी से कह भी दिया। दरोगा जी ने दादी को बुलाकर कहा कि मैं सबको सबको गिरफ्तार करा दूंगा। तब तो लोगों ने कन्या की हत्या क्यों नहीं की। तब बहुत से इलाज किए। तीसरे दिन मुझे होश आया। फिर माँ का दूध नहीं पिलाने दिया। कभी कभी गाय का दूध छिपकर माताजी पिला देती थी। 3 साल तक अफीफ के नशे में रखा। मुझे बैठना तक नहीं आया। एक मुंशी साहब पड़ोस में रहते थे। उनके कोई बच्चा न था। मुंशी की पत्नी मेरे ही यहाँ से दूध मोल लेकर मुझे ही पिलाती रही। मैं जंगी होती गई। 2 साल के बाद उनके भी बालक हुआ, मगर वे मेरी हिफाजत करती रही। कहने लगी, इस कन्या के भाग से मेरे पुत्र हुआ। उनकी बदली हुई तो मुझे मांगा और कहा कि मैं ही शादी करूंगी, मगर घर वालों ने नहीं दिया। भाई ने रोना शुरू किया कि मैं अपनी बिटिया को नहीं दूंगा। भाई को स्त्री समाज से बहुत प्रेम हो गया। मुझे भी बराबर साथ साथ संध्या हवन सिखाया। आप क्रांतिकारियों के साथ चले जाते थे। मेरे से कहो जाते थे कि किसी से कुछ न कहना, जो कह दिया तो जान से मार दूंगा। मैं डर से किसी से नहीं कहती थी। तब आपने रात को इश्तहार छपवा कर सरकारी जगहों पर 48 जिलों में लगवा दिए। पुलिस को पता चल गया कि रामप्रसाद ही सब में शामिल है। तब तक आप 4 मित्र सलाह करके वायसराय को मारने कलकत्ते को रवाना हुए। बीच में इलाहाबाद ठहरे। गंगा सिंह और राजा राम देवनारायण और रामप्रसाद, इन चारों में बहुत झगड़ा हो गया। रामप्रसाद का कहना था कि एक वायसराय को मारने से स्वराज्य नहीं हो सकता। जिस तरह एक रात में इश्तहार लगा दिए, इसी तरह हमारे सारे हिंदुस्तान के अंग्रेज खत्म कर दिए जाए तो अच्छा हो। इन लोगों ने सलाह करके कहा कि पहले रामप्रसाद को ही खत्म कर दो। यही काम नहीं चलने देगा। सब अंग्रेज किस तरह खत्म हो सकते हैं। प्रातःकाल त्रिवेणी के तट पर श्री रामप्रसाद बिस्मिल जी संध्या कर रहे थे। किसी ने तमंचा छोड़ दिया। पहली गोली न मालूम हुई क्योंकि ध्यान प्राणायाम में। बिटिया को नहीं दूंगा। भाई को स्त्री समाज से बहुत प्रेम हो गया। मुझे भी बराबर साथ। पहली गोली न मालूम हुई क्योंकि ध्यान प्राणायाम में थे। दूसरी गोली कान के नजदीक से होकर निकली। कुछ सनसनाहट मालूम होने पर आंख खोलकर देखा तो सामने तमंचा ताने खड़े हैं। उठकर भागे, कपड़े और अपना तमंचा वहीं छूट गया। जान बचाकर एक पंडित तिवारी जी के यहाँ पहुंचे। पंडित जी ने धीरज बंधाया, कहा कि क्या आफत आ गई। वे अपने पहचान के थे। कुछ देर वहां ठहरे और फिर अचानक गायब हो गए। तब तक वे सब भी तिवारी जी के यहाँ पहुँच गए। पूछा कि यहाँ रामप्रसाद आए हैं। उन्होंने कह दिया कि यहाँ नहीं आए। इन लोगों ने बहुत ढूंढा मगर कहीं पता न मिला। वे लोग वापस शाहजहाँपुर आ गए। रामप्रसाद बंगाल की तरफ चले गए। उन लोगों ने समझा कि गोली लगने से त्रिवेणी में गिरकर मर गए। शाहजहाँपुर में आकर कह दिया कि रामप्रसाद मारे गए। हमारे घर वालों ने सच मान लिया कि मर गए। उनका सब कारज भी कर दिया। फिर पिताजी बहुत घबराए कि लड़कियों की शादी भी करनी है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। उन्होंने मेरा पढ़ना बंद कर दिया। अपने देश में आकर शादी का इंतजाम किया। जिला आगरा में बिनाहट के पास एक मौजा है। उसमें मेरे पिताजी की
नानसाल थी उसी के पास मेरे भी नानसाल थी, वही से शादी का प्रबंध किया। भाई का कहना था कि खूब पढ़ाकर अच्छे घर घर शादी कराऊंगा, मगर भाई के न होने से एक गरीब किसान के यहाँ कोसमा में शादी की गई। मैं भला क्या कह सकती थी, जिस दिन शादी थी उसी दिन भाई शाहजहाँपुर आ गए। दादी ने कहा कि आज तुम्हारी बहन की शादी है तो बहुत घबराए और उसी समय चल दिए। वो दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए, शादी हो चुकी थी। माता पिता तो खुशी में देखने को आए कि राम प्रसाद आ गए, सब लोग खुशी मनावे, मगर वह अफसोस में बैठे आंसुओं से मुंह धो रहे थे। लोगों ने कहा कि क्या बात है, बहुत पूछने पर बोले कि मेरी बहन की तकदीर फूट गई जो ऐसे घर में शादी हुई। मैंने तो अच्छा घर देखा था, अभी तो बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है। खैर जो हुआ सो हो, अच्छा ही है। आप एक दिन ठहरे, माताजी से कुछ रुपए लेकर विदा हो गए। पहले लश्कर को चले गए, वहाँ हथियार को तलाश कर और सौदा तय करके पिनाहट आए। मेरी चौथी चलाकर शाहजहाँपुर को वापस आए। आप फिर लश्कर से दो तमंचे लाए। इतने में शाहजहाँपुर में हद से ज़्यादा चोरियाँ होने लगी, पुलिस चोर बदमाशों से मिल गई। तब इन लोगों ने सेवा समितियों ने अपने ऊपर इंतजाम लिया। मिर्ज़ापुर से लाठियाँ मंगाई, बल्ले में गड़वाई, रात रात पर पहरा दिया। तब चोरियाँ बंद हुई। फिर आप लश्कर गए तो बंदूकें लाए, कोसमा में आकर मेरी विदा कराई। स्टेशन पर जाकर एकांत जगह में मेरी दोनों जांघों में बंदूक बांधकर भारी लहंगे में छिपा दी। फिर भरू का बाद धर्मशाला में ठहरे, बिस्तर में बंदूक बांध मेरे सिरहाने रात भर रखी। आप दूर लेटे, सवेरे फिर उसी तरह बांध दी। मैं कुछ खड़ी हुई रहूँ, कुछ सहारे से पैर फैलाकर बैठ भी जाती थी। 12 बजे दिन के बरेली पहुँच गए। वहाँ स्टेशन मास्टर ने भाई को पहचान कर उतार लिया, उनकी मित्रता थी। बहुत कहा कि अभी मत रोको, फिर आऊँगा, मगर वह मुझे पकड़ कर ले चले। मैंने बहुत कहा कि गठिया से मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, चलने से मजबूर हूँ, मगर वह लिवा ले गए, धीरे धीरे चल गई। भाई उदास हो गए, मगर मैं तो समझ गई। उन्होंने खाना बनवाया, मैं बाहर निकल आई और चल पड़ी। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगी, उन्होंने बहुत कहा खाकर चली जाना। मैं रोने लग गई, मेरी टांगों में दर्द से बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है, घर ही जाऊंगी, मैं चल पड़ी। पीछे से भाई भी चल दिए। जब गाड़ी में बैठ गए तब बोले, बिट्टो तुम बहुत होशियार निकली, अब तो मैंने समझ लिया कि तुम सहायता दोगी। शाहजहाँपुर स्टेशन से तांगे में बैठ घर पहुंच गए, मगर माताजी को कुछ न बताया, मुझसे भी मना कर दिया कि किसी को न बताना। 1 महीने बाद मैं कोसमा फिर आ गई, फिर माताजी से फुसला कर कुछ रोजगार करना चाहता हूँ, पिताजी से न कहना, रुपए लेकर फिर हथियार लाना शुरू कर दिया। मैं शाहजहाँपुर तक पहुँचा देती थी। एक दिन अचानक पुलिस ने घर पर छापा मारा। भाई खाना खाने बैठे ही थे कि राजाराम को गिरफ्तार करके मेरे दरवाजे को जो आए सो मैंने भगा कर कहा कि पुलिस आ गई। भाई बोले कि कुंडी बंद करके मेरी संदूक में जितनी किताबें हैं हो सब मिट्टी का तेल डालकर जला दो, मैं तो जाता हूँ। आप छतों छतों सड़क पर कूद गए, सीधे स्टेशन पहुँच गाड़ी में बैठकर आगरा आ गए, फिर पिनाहट पहुँच गए। वहाँ कौन पकड़ सकता था, पुलिस वालों ने किवाड़ तोड़ डाले, कुंडी खोल दी, यह क्या जला दिया, घुड़की दी। रामप्रसाद कहाँ है, जल्दी बताओ। हम लोगों ने कहा कि पता नहीं, ढूंढ लो। सारे संदूक खोल डाले, जो मिला ले गए, साइकिल उठा ले गए। पिताजी कचहरी में थे, दादी भी नहीं थी, अकेली माताजी और लड़कियां रोती रह गई। छोटा भाई सुशील चंद्र गोदी में था। यह हम चार बहन दो भाई थे। 3 बहनों की शादी हो गई, 1 10 बरस की मर गई, 2 बहनें विवाह के बाद मर गई, 1 छोटी बहन तो जहर खा कर मर गई। भाई को फांसी का हुक्म हुआ सुनकर उसने जहर खा लिया। उसकी शादी भाई ने एक जमींदार के साथ की थी, वह हमसे 6 मील की दूरी पर थी। कुचेला में
गुजेला के मोजे में छोटा भाई बीमार हो गया, तपेदिक हो गई थी। पिताजी अस्पताल में भर्ती कर आए। डॉक्टर ने कहा कि 200 रुपये दो तो हम ठीक कर सकते हैं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास अगर रुपए होते तो यहाँ क्यों आता, मुझे तो गवर्नमेंट ने भेंट दिया। लड़का भी गया, पैसा भी गया, अब तो बहुत दिन हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी 15 रुपये मासिक देते हैं, उससे गुजारा करता हूँ। एक हफ्ता अस्पताल में रहा, उसे खून के दस्त हुए, 24 घंटे में खत्म हो गया। 10वां दर्जा पास था, वह भी बोलने में अच्छा था। लोग कहते थे कि यह भी रामप्रसाद की तरह काम करेगा। अब इस समय मायके के सारे खानदान में मैं ही अकेली अभागिनी रह गई हूँ। फिर भाई तो कुछ दिन कोसमा, कुछ दिन पिनाहट, कुछ दिन रोहर बरवाई रहे। उनके साथी बहुत पकड़े गए, मैनपुरी षड्यंत्र केस चला। आपके साथी मैनपुरी में भी थे, जो हथियार आप लेते थे मेरे यहाँ रखे रहते थे। मैं इसी तरह पहुँचा देती थी, साथियों को भी लाया करते थे। फिर माता पिता भी बहुत दुखी होकर पिनाहट में ही रहने लगे। भाई 2 साल गायब रहे। पिनाहट में अपने खेती करने के साथ साथ साहित्य रचना भी की। आपने 6 किताबें छपाई। मन की लहर, बोल शेविको की करतूत, कैथोराइन स्वदेशी रंग एवं 2 बंगला से अनुवादित की। बंगला के अच्छे जानकार थे। कुछ दिनों आगरे में डॉक्टर भी की। अपना नाम यहाँ बदल दिया था, रूप सिंह रखा था। विरोधी लोगों को ज्ञात नहीं हुआ कि यह फरार है, नहीं तो पकड़वा देते। वारंट में 2000 रुपये का इनाम था। एक दिन माताजी ने नाराज होकर पानी भरने के लिए कहा कि क्या लिखता रहता है, पानी भर दे। कुछ देर हो गई, माताजी को क्रोध आ गया कि हम सब तेरे पीछे बर्बाद हो गए। तेरे पढ़ने में पैसा लगाया कि कुछ पैदा करेगा, सो घर पार से भी भेंट दिया। तेरे होने का क्या सुख, मुसीबत ही है। उसी समय आप चल पड़े, न कुछ कहा, खाली धोती आधी ओढ़े आधी पहने। सर्दी का मौसम था। शाहजहाँपुर 3रे दिन रात को पहुँचे। 1 पैसा भी पास न था। 18 कोस आगरा पैदल गए। रास्ते में शेर मिला। आप एक बबूल के पेड़ से खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि मेरा कोई कसूर है जो काल आ गया। आप खड़े खड़े देखते रहे कि वह फिर न लौट पड़े, मगर वह चला गया। अब कुछ देर बाद वहाँ से चल दिए। आगरा पहुँचकर बिना टिकट छिपकर गाड़ी में बैठ गए। रात के 12 बज रहे थे। दादी को पुकारा, धीरे धीरे आवाज़ दी। दादी ने समझा कि कोई पुलिस का आदमी है। बोली, क्यों मुझे सताते हो, अपने कहा कि मैं राम प्रसाद हूँ। दादी कुंडी खोल दी, मैं पिनाहट से आया हूँ। दादी ने कुंडी खोली, बोले, दादी आग जला दो, कुछ खाने को रखा हो तो दे दो, भूख के मारे दम निकल रहा है, तब बात कहूँगा। दादी ने कहा कि 1 रोटी छीके पर रखी है, वह सूख गई होगी। बोले, मुझे जल्दी दे दो। वह खाकर पानी पी लिया, तब बात निकली। कहा, माताजी नाराज़ हुई, इससे चला आया। दादी ने कहा, तेरा तो वारंट जारी है। उन्होंने कहा, मैं हाजिर हो जाऊँगा, जो कुछ ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। 2रे दिन कप्तान साहब के सामने हाजिर हुए। कप्तान बोला कि आप तो खत्म थे, अब जिंदा कहाँ से आ गए, कहाँ रहे। तब जवाब दिया कि मैं आगरा रहा, क्या काम करते रहे। कहा कि कुछ दिनों इलाज करते रहे, अस्पताल में डॉक्टर की एवजी में रहे थे। डॉक्टर मेल का था, वह कुछ छुट्टी पर चला गया था। कुछ दिनों कविता करते रहे, वह किताबें भी दिखाई। कप्तान ने 6 महीने की नजरानी बोल दी। इतने में आपने एक रेशम के कारखाने में 60 रुपये की नौकरी कर ली। पहले तनख्वाह पिताजी के नाम भेज दी, लेकिन लिख दिया कि माताजी मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, यह रुपए रख लीजिए, अब मैं आपके ऋण को ही चुकता करूँगा। माताजी को बहुत दुख हुआ कि रामप्रसाद को मेरा कहना बुरा मालूम हुआ, इसलिए नंगा भूखा चला गया। कुछ दिनों पर पता नहीं दिया
पता नहीं दिया। माता जी बहुत दुखित रहती थी। पत्र तथा रुपए आने पर शांति आई। आपने 6 महीने नौकरी की, बात को आधे से आधे के हिस्सेदार बन गए के साझे में इस कारखाना था। उस समय हम तीनों बहन मौजूद थी। बढ़िया 3 साड़ी बनारसी कामदार बनाई। कार्तिक दौज को बहनों को दूंगा। बड़े बहनोई को साफा बनवाया। काफ़ी पैसा पैदा किया। फिर माँ बाप को भी बुला लिया। क्रांतिकारियों का काम बराबर करते रहे। फिर 2 पिस्तौल बढ़िया 2 तमंचे एवं 2 बंदूकें लश्कर से ले गए। शाहजहाँपुर तक मैं पहुँचा आई। 2 बार मैं पहुँचा सकी। एक वकील के यहाँ रखी और रकम भी उन्हें के यहाँ रखते थे। घर खर्चे को ही देते थे। वकील साहब को पिताजी और उनकी पत्नी को माताजी कहते थे। उनके 2 लड़के थे। वह भाई के समान थे। बहुत ही विश्वास था। कारखाने का नाम छोटे भाई सुशील चंद्र के नाम से रखा और सुशील माला भी छपवाई थी। भाई रामप्रसाद दयावान भी अधिक थे। कोई गरीब भिक्षा मांगे तो 5 रुपए से लगा कर 10 रुपए तक दे देते थे। किसी को जाड़े से ठिठुरते देखते तो अपने तन से कपड़ा उतार कर दे देते थे। चाहे कितना ही कीमती क्यों न हो। एक दिन दादी नाराज़ हुई कि क्या अपनी बहन का ही भी ख्याल है जो गरीब है। तू लोई इतनी कीमत की क्यों फकीरों को दे आया। कोई इस हल्के मोल का कपड़ा दे देता, लोई बहन को ही दे आता। वैसे तो हथियार लाने को बड़ी बिटिया है, औरों को दुषा ले। अगर वह पकड़ी जाए तो जेल में ही मैं सड़े। इतना पैसा भी नहीं जो छूट सके। आप बोले कि बिटिया का मुझे बहुत ख्याल है। मैं दिवाली पर आ जाऊँगा तब उसका सारा कर्ज निपटा दूंगा और जो साड़ी बनी रखी है वह तीनों को दे आऊंगा। बड़ी बिटिया से हिसाब पूछ आया हूँ कि कुल कितना कर्जा है। 400 रुपये बताए हैं। उसे तो मैं रेशम ही पहनाऊंगा। उसने मेरे बहुत काम निकाले। हथियार लाना, उनकी हिफाजत करना, मेरे न होने पर भी संभाल रखना। जब मैं शाहजहाँपुर रहती थी तब एक चौड़ा गड्ढा था, उसमें सारे सामान रखे रहते थे। ऊपर एक तख्ता डाल दिया और मिट्टी डाल दी। 8वें दिन सफाई तेल लगाना सुखाना पड़ता था। जब कहीं ले गए तो निकाल दिए। कुछ सामान बम का भी रखते थे। एक दिन बारूद में रगड़ के जोर से आवाज़ हुई। आप बच गए, निकलकर भाग गए। हम लोग बहुत ही डरे मगर मिट्टी से सब ढक दिया। एक छोटा सा मकान अलग था, उसी में सब रहता था। उसी में उनके साथी छिपे रहते थे। मैं सबको खाना खिलाती थी। दूसरा कोई उस घर में नहीं आता जाता था। कुछ लोग आवाज़ सुनकर जग पड़े। बंदूकें कहाँ चली, हम लोग भी कहने लगे। देखो कहाँ से आवाज़ हुई। हम लोग तो सोते से जग पड़े। रामप्रसाद कहाँ है मालूम नहीं। वह तो कल से ही नहीं आया, गांव गया है। आप खड़हर गांव में पहुंच गए। फिर मोती चौक में एक खाली मकान था, उसमें अपना काम करने लगे। बनारसी लाल बढ़ई तथा विष्णु शर्मा जो अभी मौजूद है बराबर काम करते थे। बनारसी लाल ने ही काकोरी केस में मुखबरी की थी। विष्णु शर्मा 14 साल की जेल भुगत कर आ गए काकोरी केस में। फिर रामप्रसाद सावन में मुझे लेने आए, यहाँ से मुझे नहीं भेजा। आप कार्तिक की कह गए कि हम आवेंगे तब तक आप कुआर की नौ दुर्गा में गिरफ्तार हो गए। नवमी का दिन था, प्रातः समय आप दातून कर रहे थे कि पुलिस ने छापा मारा। रामप्रसाद जल्दी निकल अपने किवाड़ खोल दिए, एक पर्चा दे दिया। उसे आप पढ़कर बोले, अभी चलता हूँ, माताजी से कुछ बात करनी है। अच्छा, यही जो कुछ कहना हो कह दीजिए। माता पिता दोनों खड़े ही थे। पिताजी के पैर छूकर कहा, माफ़ी दीजिए। माताजी के पैरों पर सिर रखकर बोले, मैं आपकी सेवा कुछ भी न कर पाया। माताजी धीरज रखना। फिर छोटे छोटे भाई सुशील चंद्र को हृदय से लगाया और कहा, मैं तो जाता हूँ, न जाने फिर आया या न आया। देश सेवा पर चाहे मेरा
बलिदान ही क्यों न हो, मगर काम यही करूँगा। मरने से मुझे कोई डर नहीं, जेल से डर नहीं। शेर ही कटहरे में फांसे जाते हैं, न कि गिदड़। सबको प्रणाम करते हुए हंसते चल दिए। सन 1924 में गिरफ्तार हुए, 2.5 साल मुकदमा चला। सन 1925 में छोटी बहन खत्म हो गई, मेरे पुत्र पैदा हुआ। आप लखनऊ की जेल में थे, भांजे की सुनकर उत्सव मनाया। बहन की जहर खाकर आत्महत्या की बात सुनकर शोक भी किया। अपनी जीवनी में उन्होंने सारे बातें लिखी जो उनके हाथ की लिखी हुई है। उसमें से कुछ बातें छोड़ दी है। हाँ, मुख्य मुख्य बातें आत्मकथा में है। आपके मुकदमे में जो कुछ था पिताजी ने लगा दिया। पिताजी बहुत दुखित हुए। रामप्रसाद जी ने कहा कि अब तो बिल्कुल ही रोटी रोटी को भी तबाह हो चुके मैं परवश हूँ। तब आपने पत्र लिखा कि जो कुछ पैसा मेरे हिस्से का हो वह मेरे पिताजी को देना। कुल सब कारखाने का हिसाब 20,000 रुपये था। आधा 10,000 रुपये चाहिए, उसमें 1,700 रुपये का कपड़ा कलकत्ता, 1,200 रुपये का मद्रास, 1,500 रुपये का लाहौर, 2,000 रुपये का शाहजहाँपुर में उधार बटा हुआ था। उन्होंने लिखा कि लाहौर से जो पैसा मिले वह हमारी बहन को दे देना। मैंने उसको देने को कहा था, बाकी थोड़ा थोड़ा करके मेरे पिताजी को देते रहना, मगर ने एक पैसा नहीं दिया। कारखाने का सामान उनके पकड़े जाने के बाद सब अपने घर को लदवा ले गए। मेरी माताजी ने कहा कि एक चरखा मेरी पुत्री को दे दो, वह अपने हाथ से ही काट कर कपड़ा बुनती है, उसी को पहनती है। मगर कुछ भी ध्यान न दिया, पछता कर बैठना पड़ा। फिर भी रामप्रसाद जी ने कई बार लिखा, कुछ भी न दिया, बल्कि अकड़ कर पिताजी से लड़े। फिर वकील को लिखा कि अब मैं तो जेल में हूँ, पिताजी मेरे तो जो कुछ रुपए आपके यहाँ है वह मेरी पिताजी को दे दीजिए। 5,000 जमा थे, 2,000 अभी दे देना, फिर मैं लिख तब देना। उन्होंने एक पाई भी न दी, कहते रहे कि दे देंगे। अब पिताजी बहुत दुखी हुए, माताजी बिल्कुल दुख से कमज़ोर हो गई। गणेश शंकर जी विद्यार्थी ने कानपुर में 2,000 रुपये चंदा करके मुकदमे में सहायता की, फिर भी मेरे भाई को फांसी की सज़ा मिली। वकील साहब को अंतिम पत्र में लिखा, पिताजी माताजी आप लोगों ने मुझसे अच्छा प्यार किया, अब एक अंतिम निवेदन है कि एक बंदूक मेरी बहन को दे देना, बाकी 6 हथियार आपके यहाँ रह जाएंगे। मेरे लिए आपने एक पत्र लिखा, माताजी को दिया कि बड़ी बिटिया को दे देना और उसे धीरज बांधती रहना। वह पत्र माताजी से कहीं किसी ने ले लिया, फिर न दिया। माताजी से मालूम होने पर मुझे बहुत दुख हुआ, पिताजी की हालत दुख से खराब हुई। तब विद्यार्थी जी 15 रुपये मासिक खर्च देने लगे, मुझे भी बहन से ज़्यादा समझते थे, समय समय पर खर्चा भेजते थे। माता पिता दादी भाई दो गाय थी। रहने के लिए हर गोविंद ने एक टूटा फूटा मकान बता दिया था, उसमें गुजर करने लगे। वर्षों में बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। फिर 500 रुपये पंडित जवाहरलाल जी ने भेजे, तब माताजी ने कहा कि कुछ जगह ले लो, इस तरह के दुख से तो बचे। नई बस्ती में जमीन 80 वर्ग गज ले ली, एक छप्पर एक कोठरी थी उसमें गुजर की, पिताजी भी चल बसे। माताजी बहुत दुखित हुई। 1 महीने के बाद मैं भी विधवा हो गई। अब दोनों माँ बेटी दुखित थी। मेरे पास एक पुत्र 3 साल का था। माताजी बोली कि मैं तो शरीर से कमज़ोर हूँ, किस तरह दूसरे की मजदूरी करूं, बिटिया अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि जहां तक मुझसे होगा माताजी आपकी सेवा करूंगी, आप धीरज बंधो। ईश्वर की यही इच्छा थी। माताजी के पास रामप्रसाद के सोने के 3 तोले के बटन थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, छिपाए रही। जाने कैसा समय हो, इसलिए कुछ तो पास रखना चाहिए। पिताजी के स्टाम्प खजाने में दाखिल किए 200 रुपये वह मिले, फिर बटन बेच दिए। फिर मैंने ईंट लकड़ी लगाकर एक
तिचारा तथा उसके ऊपर एक अटारी बनवाई। ऊपर माताजी ने गुजर की नीचे का हिस्सा 8 रुपए में किराए पर उठा दिया। 8 रुपए में मैं माताजी तथा बच्चा रहते थे बहुत ही मुसीबत से। एक समय वह भी कभी कभी खाना प्राप्त होना था होता था। मैंने एक डॉक्टर के यहाँ खाना बनाने का काम 6 रुपए में कर लिया। कपड़े की कमी से बहुत ही दुखित रहे। बच्चा स्याना हुआ। माताजी ने सबसे फरियाद की कि कोई इस बच्चे को पढ़ा दो, कुछ कर खाएगा। मगर शाहजहाँपुर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी मेहनत से 5वां दर्जा पास करा दिया। फिर तो पैसे का काम था। मजबूर होकर मजदूरी से गुजर की। कोसमा में 3 बीघा खेत था, वह भी कर्ज में रखा। कभी कभी कोसमा में भी रह जाती थी। बिना पैसे कौन किसका होता है। यहाँ के लोगों में से कोई भी मुँह से नहीं बोलता था। मैं अपनी मुसीबतों को लिख नहीं सकती, बहुत ही दुख उठाए। मेरी माताजी भी बहुत दुखित रही। मेरा दुख उनको बहुत सताता था। विष्णु शर्मा 14 साल जेल काटकर छूटकर आए तो माताजी के दर्शन को आए। माताजी जाड़े के मारे ठिठुर रही थी। उनका दुख देखकर चकित रह गए। आपको किसी भाई ने भी मदद नहीं दी। माताजी रोकर बोली कि मदद देने वाला तो परमात्मा है। आंसुओं की धारा लग गई। बोल बड़ी देर में निकला कि मेरी पुकार ईश्वर भी नहीं सुनते, जो इस शरीर से छुटकारा दे। विष्णु शर्मा ने अपना कंबल उतार कर उन्हें उड़ा दिया। बोले, माताजी मैं आपकी सेवा जो होगी करूँगा। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की। स्वराज्य होने पर माताजी की पेंशन 60 रुपए हो गई। फिर माताजी के साथ मेरी भी गुजर होने लगी। मोटा खाना पहनना चलता रहा, पर माताजी के स्वर्गवास के बाद पेंशन बंद हो गई और मुझ पर आफत का पहाड़ टूट गया पड़ा। लड़के को पढ़ाने को पैसा न हो सका। फिर मैंने मैनपुरी के नेता लोगों से भी फरियाद की कि आप मेरे लड़के को पढ़ा दे तो इसका जीवन संभल जाए। मगर आपने सुख के सामने